हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राशि डेढ़ास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो अभी हो रहे हैं शाम के 1:30। तो आप सोचोगे राशि पागल होगी, शाम के 1:30 बजते हैं क्या? अभी जब मैं सोई नहीं तो मेरे लिए तो इवनिंग ही है, जब सोते टाइम ही गुड नाइट बोलते हैं ना, तो इसलिए मैं तो कर रही इवनिंग। ठीक है, आपको दिखाती हूँ बाकी सब कहाँ है। तो हमारी किचन क्लोज हो चुकी है, इस टाइम घर पे कोई नहीं, खाना और उसके पापा सो चुके हैं। तो इनको सोने देते हैं और चलिए वापस इसी रूम में आते हैं। एक्चुअली मैंने अपनी 2 वीडियो शूट करी थी, तो ऐसा नहीं होता कि हमें वीडियोस बनानी है और कैमरा उठाया बना लिया। नहीं, अभी भी मैं वीडियो बनाने से पहले मैं 11:30 बजे से बैठी हूँ वीडियोस शूट करने के लिए। ठीक है, 11:30-12, तो उस टाइम मेरे को 12:15 बजे से मैंने वीडियो बनानी शूट करनी करी, क्योंकि मैं रूम में गई नहीं, वहाँ खाना सोने ही वाला था। मैंने कहा जाऊँगी, मुझे भी वापस से नींद ना आ जाए, तो एक तो मैं इसलिए गई नहीं, यहाँ बैठी रही। ठीक है, और मैं वेट करती रही क्योंकि गली में पीछे हो रही थी किसी की लड़ाई। अब रात में लोग लड़ते हैं, वो इतनी आवाज़ें गूंजती हैं, एक उन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया। बहुत देर में वो लड़के गए। ठीक है, 12:45 घंटा उन्हें लड़ने में लग गया। मैं सोची थी लड़ाई ख़त्म ना हो तो मैं सो ही जाऊँ, बट फिर वर्ष चले गए। चलो जो भी, सब सो रखे हैं, बहुत ज़्यादा शांति है। तो मेरे दिन के व्लॉग्स के अकॉर्डिंग आपको रात में अब देखिए कितनी क्लियर आवाज़ आएगी। मेरी आदत है स्टार्टिंग से, जब से मेरा चैनल बनाया ना, मेरे को रात को चाहे 2 बज जाए 2:30 बज जाए, आज भी यही होगा, 1:30 बज रहे हैं, आधा घंटा वीडियो को कम से कम भी 1-1.5 घंटा और मेरे को अभी बैठना है, 1.5 घंटा लगाऊंगी इसमें एडिट करने में, 2:30 बजेंगे और सुबह फिर मॉर्निंग में मेरे को उसी टाइम से उठना है। लेकिन ये काम मैंने अपनी पसंद से चूज़ करा है और शुरू से मैं फर्स्ट डे से इसके लिए इतनी पैशनेट हूँ कि मैं काम करती ही करती हूँ, चाहे किसी को मेरी व्लॉग्स पसंद आए या बहुत ज़्यादा पसंद आए, जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, नहीं इसी वीडियो को सुबह कंटिन्यू करेंगे अब। तो मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में, अभी के लिए बाय बाय। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल राशि जुड़ास व्लॉग। अब हो गई है मॉर्निंग, रात को एक्चुअली मैंने वीडियो जब ख़त्म करी थी तो रात को मैं सो गई थी। अब उठी हूँ, मैंने अपना गर्म पानी वगैरह ले लिया और ले ली हूँ चाय। आज है सैटरडे, खाना की क्लास नहीं है, तो इसलिए कल भी मैंने रात को लेट तक अपनी वीडियो बनाई थी। और ये बिंदी मैंने कल लगाई थी, रात भर सो गई, हटी भी नहीं। कोई कोई तो इतनी अच्छी आती हैं। तो यहाँ मैंने राजमा उबलने रख दिया, आपने कल देखा था मीकी राजमा वगैरह, तो उससे फेवरेट है ही वैसे, ये लड़ते हैं दोनों। राजमा रख दिए, चाय बनने रख दी है, मैं नहा के मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। मोटा चूहा आ गया, कैटी बिल्ली आ गई, चढ़ जाएगा फिर पंजे मारेगा, देख लड़ाई फिर मारेंगे पंजे, खड़ा जा लग जाएंगे फिर से। लड़े दोनों, लड़की रहे तुम, आज 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 की लड़ाई आ जाएगी, तुम मौके मार रहे मारे ना, तुम्हारे जब देखेंगे तुम्हारे को कवर देगा। तो आज बना रही हूँ राजमा की सब्जी, इसके लिए मैं बताऊंगी सारा इंग्रेडिएंट वगैरह तो सब पता ही है क्या होता है, बट एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे प्याज को अलग भूनिए और आप लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट अलग से डालिए इसमें, ठीक है, और टमाटर को अलग से भूनिए, तो इससे क्या है ना जितनी भी सब्जी होती है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उनमें। और आज बन रहे हैं ब्रेकफास्ट में मूली के पराठे। मूली के पराठों के लिए बहुत इजी है, किसी के हाथ में अगर खुजली होती है ना मूली से तो आप उसे कपड़ों में निचोड़ सकते हैं, बहुत इजीली हो जाती है। तो आज जा रही हूँ मैं घूमने और खजाना दीदी का खुल गया पिटारा, एक बढ़िया सी जीन्स दे दो, एक टॉप दे दो सही सी लंबी सी, थोड़ा मेरा मोटापा छुप जा। बहुत दिन हो गया, आज आप जीन्स पहन के दिखाऊंगी मैं कैसी लगूँ जीन्स, क्या देख खुद तो पहन के जाएगी टॉप वो दे रही है सूट लंबी ले टॉप ले अभी पहन कर दिखाऊंगी मैं, जिसमें अच्छी लग रही है।
कैसी लग रही है? बढ़िया ना, अच्छी लग रही है, सही है। यू हुई टॉप तो जो आपने दिलवाई मो बर्थडे पे, आना अच्छी लग रही है, थोड़ी ऊंची लग रही है, तू पहन रहा ना हमारे, हमारे तो लग रही है ना, पहले तो मैं इतनी पहन रही जब कॉलेज वाले जा रहे थे इतनी तो पहन रहे, हां टॉप अब थोड़ी अजीब लग रही, थोड़ी दूसरी पहन का वैसे आदत ना, कैसे लग रही है, बेकार तो लगी ना, वैसे तो सही है। फस रहा टाइट था, सही लग रहा है, एक साथ ब्लैक जीन्स पहन लियो, अजीब सी फिटिंग है, मैं उसे झूला से नीचे से मेरे ठीक है, मेरी फिटिंग है ना, मेरी हाइट थोड़ी सी और होनी चाहिए है ना, मैं 5'5" भी कम रहा पर 5'7" शायद, फिर तो तू सीतली बन जाती। चल दिखा दे मम्मी है, मैं शायद थोड़ी पतली होगी, मेरी तेरे टॉप मेरा सही आ रही है, बहुत पतली होगी तू, थोड़ी यार तू, हां मैं यू ये मैंने बहुत दिन से खरीद रखी है, पर यार नंबर ना आया, जुलाई में ली मैंने, जुलाई में थी गर्म नहीं हुआ सर, ये थोड़ी मोटा फैब्रिक है वो वाली ना, ये गलती से मोटी वाली ली है, ऑनलाइन मंगाई मैंने, ऑनलाइन मंगाई है नीचे पड़ा पड़ा वादे, मैं कैसी लग रही हूँ, मीके तो ऐसे कपड़े अच्छे लगे या यही सूट वूट अच्छे नहीं लगते हैं, सूट कंफर्टेबल अच्छी है, मोबाइल की खराब होगी, निकाल दिया आज मैंने, लग रहा नीचे तो ये है पार्टी जंपर्स, कड़कड़डूमा के पास है, यहाँ पे बच्चों का एक्टिविटी एरिया है, इधर हम कान्हा और मिकी लास्ट वीक भी आए थे, वीकेंड पे एक्चुअली, तो इन्हें यहीं आना था फिर से, तो हम लेके आ गए, और यहाँ पे देखिए इनकी कुछ खास ऐसा तो मुझे लगा नहीं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने पैसे थे उसके हिसाब से तो इतने ही कहीं पार्क वगैरह में नॉर्मली झूले मिल जाते हैं, वही सब है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा अलग से नहीं है, पर ठीक है बच्चों को लगा तो ले आए, इतने में आप कहीं बड़ी जगह भी जा सकते हैं, जैसे लाइक चौकीधानी गए हैं उतने की आपकी टिकट लगेगी सबकी, और वहाँ आप इंजॉय करेंगे, यहाँ सिर्फ बच्चों की टिकट थी, आप फ्री में बैठ सकते हैं, बट आपको कुछ खाना है तो उसका आपको पे करना पड़ेगा, हाँ इसी टाइप से है, आप बर्थडे सेलिब्रेशन कर लीजिए, छोटे मोटे बच्चों का टाइम पास है, कहीं दूर नहीं जाना तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। जाता कौन, जाता कौन, जाता देखी रहे जाता, कैसे
बिना पिए हम चीनी डाल ली। चीनी है हमें ना, चीनी ना ना होएगी ना। इधर चला गए, खाना जी वैसे पास्ता तो आ गया तुम्हारा, अगर खाना तो खा लो। क्या ले रहे हो राशि? आपको तो मैं बुढ़िया वाला ले रहे हो। तो बढ़िया रहो आप। कितने का? 200 का। 300 ये वाला? हाँ। मम्मी तो क्या? बुढ़िया हाले हुए लाली दिख रहा। ना बुढ़िया चपरी है ना मैं। स्टिक वाली। ग्रैंडपा वाला भी तो है। हाँ, दिखाना ग्रैंडपा वाला भी। बताओ क्या आती है? हैं? जो तू मांग रहा हो। घर पे बहुत पड़े हैं। कैसे लगे? बढ़िया। का 80 रुपए का आते। नाचने का नहीं है, नाचने की नहीं है। तो मिकी बताओ कैसी रही आज की ट्रिप? बेकार। अच्छी। मिकी बताएगा। बेकार। आना कैसी थी? बिल्कुल बेकार। मम्मा मुझे तो अपने हैमर की याद आती है। हैमर कौन है? हैमर टॉय खिलौना हथौड़ा। कोई हैमर था। हैमर कौन है? तो कह रही है हैमर की याद आ रही है। तो याद भी ऐसी करो जो कहीं इंसान न करो याद आती है। मैं बड्डे को सावन का हूं ना, तो मैं पावर मिल जाएगी। हाँ सही कह रहा है। तो हैमर मिल जाएगा। हाँ। अच्छा तुम्हारे पास था ऑलरेडी वो हैमर, वो कहाँ गया? तो मैंने ऐसे तोड़ा पावर छीन ली। सही करा।
हेलो, कैसे हो? हम बहुत बढ़िया, बताओ कैसे हो? फाइनली आपसे मिलना हो गया आज. तो इससे पहले इससे मिलो, इससे सबसे पहले मिली. और ये इसको मेरे से बोला, मेरे से कैसे चुपक रहा, कैसे चुपक रहा तुम भाई? मैं बोलती चिका मिला तो एक मान देगा कि हाँ ये जान दिया. हेलो खाला दीदी, हेलो करो. कैसे हो जी? तुम्हारे टॉय लाइन पर रखे हुए दीदी से मिलना होगा ना, तो चलते चलते भी मिल लूंगी. आपकी मम्मा आ गई, कभी पूछो. ये हमें तो ये नलायक कुछ नहीं समझता ये लड़को. कैसे लगे मम्मा? तो गाइज वहाँ से हम घूम फिर के आ गए थे, खाना वाना खा लिया और फ़ोन की बैटरी थोड़ी सी लो हो गई थी इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी. मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ जिस टाइप के हम मग लेके आए थे. मुझे ना मग्स का बहुत शौक है, तो अभी कुछ टाइम से मैं लाई नहीं थी, पुराने ही चल रहे थे, पर ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगे तो ये वाले लिए. मैं अभी दिखाती हूँ आपको. ये है क्वीन और ये है किंग, और ये बहुत ही सुंदर है और थोड़े बड़े हैं जिस साइज़ की जितनी मैं चाय पीती हूँ ना उतने हैं ये. अंदर से भी इनमें कहीं कहीं हल्का हल्का प्रिंट सा दिया हुआ है, इस वाले में ज़्यादा है, इसमें कम है. बहुत अच्छे लगे ये, पेयर में थे और ये 650 के थे और उस पर भी डिस्काउंट था. थोड़े से महंगे थे पर मुझे अच्छे लगे. जो इसका ये प्रिंट है ना वो कह रहे थे छूटेगा नहीं, तो ये मैंने नॉर्मल आर्ची शॉप से जो थी वहाँ पर गिफ्ट गैलरी वहीं से ली थी. और साथ में लिए हैं ये वाले, इस पर लिख रहा है आई लव यू ग्रैंडपा. और ये ग्रैंड माँ, क्योंकि मम्मी पापा की चाय यहीं पीते हैं तो उनके मग भी ख़राब थे, उनके लिए आ गए हैं ग्रैंड पा ग्रैंड माँ. अंदर भी लिखा हुआ है और ये बस ऐसे ही है. मीन बड़ा सुंदर लग रहा है ना, देखिए शाइन कितनी अच्छी है. और ये हल्का सा ना प्रिंट उभरा हुआ भी है, बहुत सुंदर लग रहा है ये. बस फूटे ना. तो मुझे ना इनका बहुत शौक है. मैं पहले जब मैं यहाँ नहीं रहती थी ना, मैं मॉल जाती रहती थी वहाँ पे शॉपिंग करने, तो मैं अपनी चाय के लिए, क्योंकि चाय टी लवर मैं हुई, चाय के लिए ना इनके साथ जाके एक बहुत अच्छे वाले बढ़िया वाले थोड़े से कॉस्टली में मग लेती थी जो मुझे डेली यूज़ में सुंदर लगते थे. तो अब ये मुझे काफ़ी दिनों बाद अच्छे लगे हैं, सिंपल से हैं और प्यारे से हैं. अब देखो कितने दिन चलते हैं. तो गाइज़ आज का दिन हमारा बहुत थकावट भरा रहा, कल रात से लेके आज फिर से रात हो गई है. पूरे दिन का व्लॉग दिखाया मैंने, ठीक है, और खाना पीना ये सब आज मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, जो भी था मैंने आप सब शेयर कर. अब करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.